नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज सीखेंगे 3D रंगोली। नमस्ते। ये तैयार हो गया 3D रंगोली। ये देखिए 3D रंगोली, मतलब यहाँ से देखेंगे तब अच्छा लगेगा। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो देखिए ना कैसा लग रहा है, इधर से भी देखेंगे तो भी, यहाँ से भी देखेंगे तो भी, मतलब परफेक्ट। जैसे कि यहाँ से ऐसे देखेंगे तभी अच्छा लगेगा, इधर से भी देखेंगे तो भी खराब दिख रहा है। इसी को सामने से ही देखेंगे तभी अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ से देखेंगे तब अच्छा लगेगा। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पर कि इसको 3D रंगोली कैसे बनाते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर यहाँ कर रहे हैं तो बराबर आ रहा है। इस तरह से कैमरा को एक जगह रख लेना है, ये बराबर है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि स्केच कैसे करते हैं उसको बता रहे हैं। अब पहले नीचे का स्केच करते हैं, ये ऐसे यहाँ हो गया, और ऊपर का तो आएगा यहाँ से, देखिए ऐसे इतना, फिर ए साइड का ऐसे, और इस साइड का। अब यहां का लेना है तो यहां भी ऐसे स्केच कर लेना है, ताकि यहां से गोलाई लेना है। फिर यहां का तो इसको भी ऐसे स्केच कर लेना, फिर यहाँ ऐसे राउंड शेप दे देना है, फिर यहाँ का ऐसे। अब कंप्लीट सीखेंगे केला का 3D रंगोली। तो इससे पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि हमेशा रफ बनाना है, रफ। ये देखिए ना ये कितना रफ बना है, ये वाला एकदम सिंपल ऐसे बना दिए, ऐसे रफ बनाना है आप लोग को। इसको मिटा देते हैं। अब इसको रखते हैं यहाँ पर। अब ये छोटा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, करते हैं स्केच ऐसे, ये इतना बड़ा, तो थोड़ा सा जाएगा ऐसे जाके, हाँ ये ऐसे। अब ये थोड़ा सा यहाँ जाके ऐसे, और ये वाला बनेगा ऐसे करके, ये वाला लाइन तो ये वाला लाइन यहां से है, देखिए यहां से, यहां से, फिर ये नीचे और जाएगा थोड़ा, तो ये ऐसे करके, हाँ यहां तक ठीक है। ये इसके लिए, अब इसके लिए लगेगा येलो कलर, व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर, और थोड़ा ये हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन भी लग रहा है तो ग्रीन कलर रहेगा, और ब्लैक कलर, और यहाँ के लिए थोड़ा दाग लगा हुआ है वहां पे लगेगा ऑरेंज कलर, यहाँ यहाँ हल्का ग्रीन कलर लग रहा है, तो इसको यहाँ रख के अब ये मिक्स करते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर इधर, फिर ये कलर डालते हैं, फिर यहां से ऐसे डार्क कलर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रीन कलर, और ये ऑरेंज कलर, और थोड़ा सा ब्लैक कलर, थोड़ा सा ब्लैक भी मिला दे रहे हैं, और ऑरेंज कलर, हाँ अब ठीक आएगा, हाँ ये कलर बन गया है, हाँ अब ठीक लग रहा है। यहाँ थोड़ा लाइन के लिए और थोड़ा सा डार्क करेंगे ग्रीन और ब्लैक करके, फिर लाइन खींचेंगे हल्का हल्का ना, एकदम हल्का हल्का। यहाँ पे ज्यादा लाइट लग रहा है तो व्हाइट कलर डाल के फिर थोड़ा थोड़ा लाइट कलर कर देना है। यहाँ पे और लाइन है एक यहाँ पे, इसलिए इधर भी लाइट कर देना, थोड़ा इस साइड भी
इसको अच्छे से लाइन करना है। फिर यहाँ ग्रीन कलर यहाँ पे, लास्ट में भी ग्रीन कलर हल्का हल्का करना है, यहाँ हल्का दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये ब्लैक कलर, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लैक कलर। अब यहाँ पे दाग लगा लगा है वहाँ पे ऑरेंज कलर और मिक्स वाला कलर, और ऐसी लगभग लगना चाहिए, ऐसे बनाकर कलर देख लेना है कि लगभग वैसी कलर लगे, फिर यूज करना है। यहाँ पे लगभग कलर हो गया है, फिर हम इसको यहाँ यूज कर रहे हैं ऐसे। ये आएगा यहाँ से ऐसे, इस लाइन में है और इधर हल्का सा है, फिर यहाँ पे हाँ थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पर अब इसी में और ब्लैक मिला के जहाँ डार्क वाला ये वाला लाइन में है, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर यहाँ कटा हुआ लग रहा है, तो यहाँ पर भी डालना, जहाँ जहाँ जैसा जैसा है वहाँ वहाँ रंग भरना है। अब यहाँ पे नीचे में है यही सेम कलर, तो नीचे में भी ऐसे डालना। जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ वहाँ यहाँ पर भी यहाँ उंगली से पहले कट करते हैं, फिर कपड़े से साफ करेंगे इसको, इधर से भी उंगली करके आउटलाइन कर लेना सफाई। यहाँ किनारे किनारे कपड़ा से साफ करते हैं ऐसे। अब थोड़ा यहाँ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा मोटा और जाएगा ऐसे, तो उसको भी बढ़ा लेना है ऐसे करके ऐसे। अब ठीक है, यहाँ थोड़ा डार्क शेडिंग फिर कर देते हैं। हाँ अब लग रहा है थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ आउटलाइन करेंगे क्योंकि उसमें भी है। हाँ अब ठीक है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देते हैं। हाँ अब ठीक है, फिर थोड़ा दोबारा यहाँ कलर सेट करेंगे तो एकदम हूबहू बनेगा। यहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा लाइट लाइट है ना, वैसे इसमें भी डालना है। यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ यहाँ ज्यादा लाइट है, इधर कम है, ये सब चीज को इसमें डालना है। ये नीचे भी थोड़ा थोड़ा वैसी लाइट लाइट कलर जहाँ जहाँ है डालने। हाँ ये वाला कलर तो इसमें मैच हो रहा है, देखिए ये और ये वाला, तो ऐसी कलर बनाना है। फिर प्योर ब्लैक कलर, तो यहाँ पर ब्लैक कलर पहले, फिर थोड़ा थोड़ा ये कलर, फिर वो। चलिए तो फिर लेते हैं ब्लैक कलर, परछाई बनेगा तब एकदम 3D लगेगा। ब्लैक यहाँ भी और यहाँ से ऐसे। फिर ये मिक्स वाला इसको करेंगे थोड़ा ऐसे। अब ठीक है,